सीएए और एनआरसी के बारे में लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली। उसी आलोक में नागरिक संशोधन विधेयक के समर्थन में भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खजोली भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा तो हाथ नहीं लग रहा, इसलिए नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा, लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा, यहां तक उग्र आंदोलन कर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान करने से बाज नहीं आ रहा। जबकि नागरिक संशोधन विधेयक नागरिकता देने का विधेयक है, लेने का नहीं। लोगों में नागरिक संशोधन विधेयक के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर उपाय करेगी। प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर हर गांव हर गली में जाकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियां दूर करेगी। भाजपा आमजनों के सहयोग से तिरंगा यात्रा के द्वारा महारैली करने जा रही है, जिसमें विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागेंद्र राय, संजय पांडे, वरुण साह एवं राजेंद्र कामत मौजूद थे। आज नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कहना है आपका? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दोनों सदन से पारित हुआ और कानून बन गया राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद। जबकि नागरिकता संशोधन विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरोध करने योग्य है। ये देश के उन पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है, इसमें बनाया गया जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर जो लोग आए थे, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ऐसे तमाम वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत आकर शरण ले चुके हैं और 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ गए हैं, वैसे लोगों को नागरिकता सुलभता से प्रदान की जाए, इसके लिए ये कानून बना। लेकिन विरोधी दल के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और देश विरोधी मानसिकता के लोगों ने मिलकर यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के बीच ये भ्रम पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया कि ये कानून आपकी नागरिकता छीन लेगा, तरह तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे और आप इस देश से निकाले जाएंगे, और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जिसके कारण अचानक लोग, कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया और उसके समर्थन से इन लोगों ने देश के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, जहां तहां कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और बड़े पैमाने पर अचानक देश के अंदर इसका विरोध प्रारंभ हुआ। मुस्लिम भारत समझ रहे हैं कि इससे कहीं न कहीं हम लोगों को, मतलब भविष्य में हम लोगों को कागज वगैरह दिखाने में मुश्किल का समस्या होगा, जो NRC लागू होगा तो हम लोग का संपत्ति सीज न कर ले, ये भ्रांति जो है उसमें फैली हुई है। तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी यह विधेयक लाई, उस समय में या तो आम पब्लिक को समझा नहीं पाई, इसीलिए यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसमें समझाने का सवाल इसलिए नहीं उठ रहा था कि पहले से जो विरोधी दल के लोग आज इसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, वे लोग उनके पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा, चाहे वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, या कई मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी की तरह, और साम्यवादी पार्टियां भी समय समय पर मांग करते रहे हैं कि ये कानून लागू होना चाहिए और जो शरणार्थी हैं उसके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए उनके नागरिकता पर भी, इसलिए इसको जरूरत नहीं समझा गया। लेकिन चूंकि विरोधी दल के लोगों को धारा 370 के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ, राम मंदिर के त्वरित निष्पादन की कार्रवाई जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुई और राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, उसके कारण और सबसे बढ़कर
जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व दुनिया भर में फैला हुआ था और दुनिया में जो उनको तरह तरह के सम्मान मिल रहे थे उससे घबराकर उन लोगों ने इस प्रकार का एक अभियान चलाया और उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिल गई। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये वक्तव्य दिया कि यहाँ के छात्र नौजवान उस कानून को पढ़ें और उनके बारीकियों में जाएं, कहीं भी ये कानून किसी के नागरिकता छीनने का नहीं है, किसी को देश से निकालने का नहीं है, किसी से कोई दस्तावेज मांगने का नहीं है, तब जाकर उसके समर्थन में लोग आ गए और आज जिस प्रकार से वो लोग विरोध कर रहे थे उससे कई गुना लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसका एक ताजा उदाहरण है जी मीडिया, जी न्यूज पर जब एक सप्ताह के अंदर सर्वे हुआ तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल रूप से समर्थन पहली बार इस देश के अंदर किया, जो एक बहुत बड़ा व्यापक सर्वे है। इतना बड़ा सर्वे से किसी को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जो डिजिटल समर्थन मिला, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम तिरंगा यात्रा करेंगे और जिस तिरंगा को लेकर उन लोगों ने सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया है उसी तिरंगा को लेकर इसके समर्थन में आम लोगों की भागीदारी से इतनी बड़ी रैली करेंगे कि उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, ताकि उनके जो विरोधी की मानसिकता है वो वही समाप्त हो जाएगी।